मेरी लाइफ के जो बेस्ट संडेज है ना, उनमें से एक आज ये वाला संडे हो गया। एक छोटा सा उधर है और एक उधर बड़े वाला है। गुड मॉर्निंग जी मनाली से। मतलब वेदर इतना बढ़िया है ना, बता नहीं सकता मैं आपको। रात में एकदम ठंडा, शाम एकदम ठंडी, दोपहर मतलब थोड़ा बहुत गर्म रहता है। बाकी ये जो रेड जैकेट डाल के मैं रेड बाइक पे बैठा हूँ, इस बाइक के साथ आज मैं करूँगा अपनी मनाली की फर्स्ट संडे राइड। हेलमेट डाल ले भाई फटाफट। सर मैं देखूंगी, मैं आता भी है नहीं। आ जाएगा। पहली बार ट्रैवल करेगी लड़की बाइक पे मेरे साथ कहीं पे। मतलब Z900 पे इसको मैंने थोड़ी सी राइड दी थी, मतलब ये लगा लो 5 किलोमीटर की राइड के लिए। 5 बार से ज़्यादा हम रुके थे तो रेडी में हो चुका हूँ। राइडिंग जैकेट मैं घर से लेकर आया था, ग्लव्स मैं घर से लेकर आया था इस बार, GoPro पूरा सेटअप, हेलमेट, शूज़ तो अपने नॉर्मल, बट भाई इज़ रेडी। बाकी आज की हमारी राइड होने वाली है RE क्लासिक 350, और ये लगा लो बचपन के बाद मैं अब चला रहा हूँ ये बाइक, और पूरा मैचिंग हो रहा है आज एकदम रेड। मज़ा आने वाला है आज को। ये जैकेट अच्छी लग रही है, किससे मांगी है? ओह एक्चुअली मेरी है ये। बैठ जा। जय माता दी। इधर मिल रही है चिल्ड वियर, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी चिल्ड होगा एकदम। मतलब बर्फबारी वाला कोई सीन नहीं है, क्लियर बात। स्नो भी नहीं मिलेगी जितना मेरे को लगता है, अगर मिली भी तो रोड के आसपास थोड़ा बहुत जो काली वाली बर्फ होती है ना वो देखने को मिल जाएगी, बट अच्छी खासी बर्फ हमें नहीं मिलेगी। और अटल टनल मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, दीपाली का फर्स्ट टाइम होगा अटल टनल भी। ये जो सारा ट्रैफिक है ना ये नीचे जाने वाला ही है, यहाँ से चल के देखें, ये नीचे तो जाता ही होगा रास्ता अपना अटल। नीचे निकल जाऊँ ना। मज़ा आ रहा है यार, मतलब व्यू देख कितना प्यारा लग रहा है। दिल करता है बस जाए इंसान एक बारी को ना यहाँ पे आके। अरे कल हम यहीं तो घूम रहे थे, ओल्ड मनाली। मेरे को समझ आ गया हम कौन से रूट से जाएंगे, कि कल यही रोड लेके हम गए थे, वो जो पार्क आया था ना जहाँ कल हम घूम रहे थे। और राइट में हमारे ना एक हेलीपैड भी आएगा, कल बहुत सारे हेलीकॉप्टर वहाँ से फ्लाई कर रहे थे, वो हो रहा सामने। हाँ आज खाली है, मेरे को लग रहा संडे है ना तो शायद से बंद कर रखा होगा आज। अच्छा, सो दीपाली कह रही है मॉर्निंग में रहता है और शाम में रहता है, दोपहर में बंद कर देते हैं फ्लाई करना ना। एक वाटरफॉल उधर है, एक छोटा सा उधर है, और एक उधर बड़े वाला है। कितना सही लग रहा है ना, और ये कितना प्यारा लग रहा है ना। वाह यार, मतलब पहाड़ों पे एक बार आ जाओ, आपको जितनी बार आप आओगे ना आपको उतनी बार नज़ारे देखने को मिले। और पता है मैं खुद पहली बार इस वाले रोड पे आया हूँ, और छोटा रोड है, गाड़ी में मेरे को नहीं लगता आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे, बट बाइक पे अगर आप आ रहे हो ना तो ओल्ड मनाली होके आप इस वाले रोड पे ज़रूर आना, बहुत मज़ा आएगा यार। बहुत सुंदर रोड है, बहुत सीनिक व्यू है। हमारे राइट पे आ गया है राइड इन कैफ़े। और एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, मैं जब लास्ट टाइम अभी टियागो में आया था मनाली, तब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं करता था, और इस वाले गड्ढे के अंदर मेरी गाड़ी का आगे वाला टायर घुस गया था, और मतलब ये लगा लो साइड वाले टायर जो थे ना वो हवा में हो गए, और फिर लोकल्स आए थे मेरी हेल्प करने, तब जाके मेरी गाड़ी निकली थी, बट एक बारी को तो फट गई थी। ये आ गया है ब्रिज, और लेफ्ट साइड पे एक नया ब्रिज भी बन रहा है, ये देखो जी। वाह यार, पेट्रोल डाल दीजिए भैया। सोलांग वैली 5 किलोमीटर, अटल टनल 17, और लद्दाख है 421 किलोमीटर। चले लद्दाख, चलेगी लद्दाख बाइक पे? Yes. रखती है इतनी हिम्मत? नहीं। वेरी गुड, इसकी यहाँ तक में तो आज सांस ऊपर हो गई है। गलती से अटल से 1-2 किलोमीटर और आगे चला गया तो भैया बाइक से कूद ही जाएगी, कन्फर्म है ये। बट मौसम और व्यू क्या मज़ेदार हो रहा है यार, मतलब जितनी तारीफ़ कर लूँगा ना मैं इस व्यू की आज उतना कम है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं सोलांग वैली, इधर है जिप लाइन, और इधर है खाने पीने का हब, और पीछे हो रही है पैराग्लाइडिंग। कितना सुंदर लग रहा है यार, स्टोरी बनाते हैं रुक के ना। जिप लाइन,
पैराग्लाइडिंग का कितना लगता है? पैराग्लाइडिंग ये जो देखो ऊपर सारा ना, हां ये शॉट वाला है 1000 रुपए का, जो हाई फ्लाई ना रोपे में जाते हैं ना, रोपे के साथ 2500 का हाई वाला, 2500 का रोपे के साथ जो जो शॉट वाला है वो 1000 का। ये देखिए आई थिंक हम अटल पहुंचने वाले हैं, एंड जितना आगे पहुंचते जा रहे हैं ना उतने ज्यादा जो व्यू है वो ज्यादा सीनिक होते जा रहे हैं। और ये हमारे राइडर साहब फुल जोश में भी गए यार, एक बार अगर आ गए ना तो जाने का मन नहीं करता। बर्फ बर्फ तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल। मतलब समझ नहीं आ रहा इतना क्राउड यहाँ पे अब रुकने कैसे दे रहे हैं। आ गया देखिए अटल टनल और चल रही है यहाँ पे बढ़िया वाली चेकिंग, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम इधर चल रहा है जोरों शोरों से। चलें फिर अंदर। वाहेगुरु बाकी अगर हम इस टनल की हिस्ट्री की बात कर लें तो इस टनल का जो बनाने का रीज़न सबसे बड़ा था वो ये था कि जैसे ऊपर रोहतांग पास पे बर्फ़ पड़ती थी तो आगे जाने वाले रास्ते ना बंद हो जाते थे, सो आर्मी का कनेक्शन टूटता था, फूड चेन टूटती थी, मतलब बहुत सारी सप्लाईज थी जो कि रुक जाती थी। और इस टनल के बनने के बाद वो सब चीज़ें वापस शुरू हो गई। बाकी जब ये टनल बनाई गई थी ना, इस टनल को इतना कैपेबल बनाया गया था कि यहाँ से हम टैंक भी निकाल सकते हैं। भैया कुकड़ी जम गई, मैं बता नहीं सकता मेरे को अभी कितनी ठंड लग रही है, मतलब ये लगा लो नीचे मैंने एक बहुत पतली सी लेयर डाली हुई है और उसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ और बहुत ज़्यादा ठंड है। बाकी जो सबसे ज़्यादा मैक्स स्पीड इधर लिखी है वो है 60 40 20, यही स्पीड है इस टनल की, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते इस वाली टनल में। तो भाई ट्राई करा करो लिमिट में अपनी बाइक चलाने का। और टनल थी बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड। अब समय आ चुका है टनल को टाड़ा वाई वाई करके बाहर की तरफ निकलने का, पर सच बोल रहा हूँ भैया बहुत ठंड थी। ओ भैया इधर तो फिर भी गर्मी है, ये देख उधर देख वो देख। जो बेस्ट संडेज है ना उनमें से एक आज ये वाला संडे हो चुका है। हमें एक से डेढ़ घंटा यहाँ पे हो गया, हम बैठे थे चाय पी रहे थे, पीछे कैंटीन थी, फोटो शोटो क्लिक करवा रहे थे। यूट्यूबर आपको झूठ भी बोलना पड़ता है क्योंकि हमने कोई चाय पी नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई कैंटीन है नहीं, वहाँ पे पीछे एक छोटी सी शॉप है। बाकी बहुत देर हो गई, हम फोटो शोटो क्लिक करा रहे थे। अब तक इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देख ही ली होगी, नहीं देखी होगी तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बाकी देख रहे हो पूरा बर्फ़ से ना पैक हो रखा है और पीछे पीछे तक, मतलब मज़ा आ गया यार। बाकी राठौर साहब पिलियन वाला एक्सपीरियंस कैसा गया आपका बुल्ट पे? Z900 से कंपेयर किया जाए तो बहुत कंफर्टेबल थी Z900। मैंने इसको बोला मैं अपनी बाइक की सीट में अगर इतनी सॉफ्ट करा लूँ तो बैठेगी क्या? कह रही नहीं, सोचने का भी नहीं भाई, सोचने का भी नहीं। देख लो भैया फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा यहाँ पे वापस आने का। तो रवाना हो चुके हैं मनाली के लिए और खूब मज़ा आया यार, खूब मज़ा आया ना सच्ची में। मतलब मेरे को भी ना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बर्फ़ होगी यहाँ पे, और बहुत अच्छी खासी बर्फ़ थी यार। चाय विद अ व्यू एंड बचपन का प्यार पार्ले जी। सो फार आज के दिन को अगर मैं समराइज करूँ ना, मैं मनाली बहुत बार आया हूँ लेकिन इस बार जो मेरे को ज़िंदगी में मज़ा आया ना पहले कभी नहीं आया। और अगर मैं बताऊँ मैंने दिन रात काम किया है, मतलब नींद मैंने 2-2 घंटे की ली है यहाँ पे, ठीक है मेरे को 2 ही दिन हुए हैं ये लगा लो। जिस दिन मैं दिल्ली से मनाली आया था मैं पूरा रास्ते नहीं सो पाया क्योंकि मेरे को भैया कम्फर्ट चाहिए, मतलब ज़िंदगी में ना जब तक कम्फर्ट नहीं मिलेगा मैं तब तक सो नहीं सकता, तो पूरे रास्ते मैं सोया नहीं। और कल मैं सारी रात एडिट करता रह गया और सुबह मैंने उठ के जल्दी से अपलोड पे लगा दिया था, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वीडियो पे देख के। फिर आज मैं सुबह जल्दी निकल गया था, तो मतलब काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ लेकिन स्ट्रेस नहीं है यार लाइफ में, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी दिल्ली जाके मैंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्लान करा हुआ है, ट्राई करेंगे उनको हरी झंडी दिखा के ज़िंदगी अच्छी करने का। भैया एक चीज़ बताओ,
ये हर जगह पीला क्यों कर दिया, ये जो सब कुछ लिखा हुआ था जो ग्रीफ वाले जो मिलिट्री आर्मी रोड है मतलब कोई अफसर आ रहा। अच्छा इसलिए करा क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब जितना भी कुछ लिखा हुआ था ना उसके बाद लिखेंगे वो कलर की है अभी आएगा अफसर उसके बाद। अच्छा 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 मेरा क्वेश्चन था ये एक मतलब अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए थे यहाँ पे जो अब छुप चुके हैं मतलब पूरे रास्ते में ऊपर तक। मेरे फॉलोअर्स ने मुझे ऐसे देख लिया ना सब मुझको अनफॉलो कर देगा। सुन तेरे फॉलोअर्स नहीं है कोई मेरे को कमेंट करके ये बताना मतलब मेरे थ्रू छोड़ के आपने इस लड़की को और कहीं देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा है वो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। अपने मुंह से अब तारीफ मत करियो। अरे जा मुंह मियां मिट्ठू मत बन जाता ये डलेगा।